सो फ्रेंड्स, तुझे कितना चाहने लगे हम इस सॉन्ग की लेसन इज आउट नाउ। तो दोस्तों, इस सॉन्ग को कर इसको कर लो नोटेशन को जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग वोकल लेसन लाएंगे, तो अगर ये आप नोटेशन वाइज आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप वोकल लेसन को इजिली उठा पाओगे एंड गा पाओगे। सो आई बिलीव कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। एंड दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना, कहीं भी छोड़ना मत, ताकि आपको पूरी जो नोटेशन वाइज है एक्सप्लेन पूरे आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ओरिजिनल स्केल है वो है बी मेजर, ठीक है ना। एंड अभी हम लोग करते हैं जी शार्प मेजर स्केल पे। एंड अकॉर्डिंग टू माई वोकल, आप भी अपने वोकल के अकॉर्डिंग करना है। बस इसकी नोटेशन आप अच्छे से दिमाग में रखो, ताकि आप कोई भी स्केल से प्रैक्टिस कर सको। लाइक नॉर्मली हम लोग सी शार्प से रियाज करते हैं, तो सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अगर इसके वाइज हम अगर नोटेशन देखें तो काफी ईजी हो जाता है। तो यही चीज को हम लोग जी शार्प मेजर पे एप्लीकेबल करेंगे, या फिर जिस भी स्केल से आप प्रैक्टिस करो उस स्केल पे आप एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो लाइक दिल का दरिया, अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, दिल का दरिया ये सारे गा मा है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो मा गा रे सारे गा। तो यही चीज को मैंने ट्रांसपोज करके जी शार्प पे किया हुआ है, जी शार्प मेजर में, यानी ये हो गया जी एंड ये हो गया जी शार्प नोट, तो यहाँ से मैंने किया हुआ है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम लोग जी शार्प के अकॉर्डिंग इसकी नोटेशन देख ले, तो जी शार्प में ये सा हो रहा है, ये रे हो रहा है, ये गा मा पा धा नी एंड सा। ओके, सा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा तो जी शार्प के अकॉर्डिंग मेरा सारे गामा नोटेशन ये था, ठीक है। दिल का दरिया बह ही गया। अब ये लाइन को हम लोग देख लेते हैं कैसे है। दिल का दरिया मा गा रे सारे गा नी सारे सा सा। स्लोली करते हैं। मा गा रे सारे गा नी सारे सा सा, ठीक है। स्लो स्लो नोटेशन बता रहा हूँ, आप इसको स्लो स्लो पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप इसकी स्पीड जो टेम्पो आप बढ़ा सकते हैं इजीली। फ्रेंड्स, आपने ये देख रहा होगा, ये जो मैं लगा रहा हूँ, ये तीनों नोट को बजा रहा हूँ, ये कॉर्ड हो गया, ये सा गा पा, ये तीनों मिला के मैं एक कॉर्ड प्ले कर ले रहा हूँ, ठीक है। कॉर्ड को आप लगाओ ताकि वो स्पेस खाली ना रहे, वहां पे इजिली फिलअप हो जाओ, ठीक है ना। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। इसकी नोटेशन क्या होगी। पा 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 सा सा रे गा रे रे। तो इसका जो नोटेशन वाइज मैं दो तीन लाइन आपको दिखा रहा हूँ, एंड इसकी अगर टोटल नोटेशन चाहिए तो आप मेरे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ पे टोटल नोट्स दी हुई, वहाँ पे सरगम दी हुई। तो आप उसको एक बार फोन में ओपन कर ले, ओपन करने के बाद आप प्रैक्टिस करो। आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास हारमोनियम है, आपके पास आप फोन में आप पियानो प्ले करते हैं, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आएंगे इसकी वोकल लेसन्स जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। एंड दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पे एंड इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, अभिजीत शर्मा म्यूजिक ये आईडी है, तो प्लीज जरूर फॉलो करें। ओके, सो शुरू से एक बार करते हैं। दिल का दरिया, एकदम स्लो स्लो करते हैं। ठीक है। नी सा रे सा सा, इश्क इबादत। पा से डायरेक्ट जंपिंग कर रहे हैं लोग, मतलब यहाँ से सा से पा पे जंपिंग नोट्स का यूज हो रहा है, तो हम लोग पा से डायरेक्ट सा पे आ रहे हैं, बीच के सारे स्वर को छोड़ते हुए। इश्क इबादत बन ही गया, ठीक है। सेकंड लाइन पे हम लोग आ जाते हैं, सेकंड लाइन भी सेम होगा इसका। खुद को मुझे गॉड तू सौंप दे, ये देख लो अच्छे से। खुद को मुझे मगरे सारे गा तू सौंप दे, नी सारे सा नी दा सा। ओके, स्लो करते हैं। खुद को मुझे तू सौंप दे, इसको स्पीड में प्ले करेंगे तो तू सौंप दे साउंड करेगा, ठीक है। मेरी जरूरत सेम, मेरी जरूरत तू बन गया, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, देख लो हरकत है। मेरी जरूरत तू बन गया, पा
पा पा पा सा सा रे गा रे रे सा नी धा पा। एकदम स्लो स्लो करना है, एकदम स्लो स्लो करो इसको। अब वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को ये कर लो, स्लो करके देखो आप, ताकि आपको बेटर आप सीख सको। ओके, सो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, छोड़ना मत। बात दिल की नजरों ने की, ये क्या हो रहा है? गमा पदा पदा, ठीक है। बात दिल की एडवांस नोटेशन मैं अभी वहां पे आप देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा इसको अभी जल्दी से कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। स्लो स्लो करते हैं। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा, ठीक है, तेरी कसम। इतना तक हम लोग डन कर लेते पहले। बात दिल की तुझे कितना चाहने लगे हम। एकदम स्लो स्लो बताया, ठीक है ना। सरे सरे गारे सरे मगारे रे रे, सरे गारे सरे मगारे ससा। एकदम स्लो करके नोटेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तेरे बिन अब न लेंगे एक विदा, तुझे कितना चाहने लगे हम। सेकंड लाइन भी सेम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। यहाँ पे ये चेंजेस है, तेरे साथ हो, ठीक है। ठीक है, इसको डन। फिर से वही लाइन आता, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। सेम लाइन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आप कर लेना, स्लो स्लो देख लो। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। इतना तक ऐसे करके आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, स्लो स्लो करके। मैंने प्रीवियसली बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंतरा वाले पार्ट पे। इस जगह आ गई चाहते, अब मेरी अगर ये सा हो रहा है, नी धा पा, ये पा हो रहा है, पा से गा पे, ठीक है। इस जगह, ठीक है, इस जगह पगगारे ससा, पगगारे सरे, ठीक है। गई चाहते, ठीक है, फिर छीन लूंगा यहाँ से सा से पापे, हाँ, छीन लूंगा तुम्हें सा पापा मगरे, स्लो स्लो करके देखना। छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से भी। ये लाइन आती है, तेरे इश्क पे हाँ, कॉर्ड लगाते रहना, कॉर्ड लगाना मत भूलना, कॉर्ड लगाने की आप प्रैक्टिस डालो, हैबिट कर लो। तेरे इश्क पे हाँ, हक मेरा ही तो है,
सिंपल स्लो स्लो करना। इस जगह आ गई चा, ठीक है, उसके बाद कह दिया, कह डन, इतना कंप्लीट। स्लो स्लो कर, उसके बाद आता है जिस रास्ते तू ना मिला उस पे ना हो मेरे कदम, वो सेम लाइन आता है, इजी है, बात दिल की वाली लाइन पे, वो पूरा सेम नोटेशन वाली लग रही है यहाँ पे। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, ठीक है, जिस रास्ते तू ना मिले पे ना हो मेरे कदम, ठीक है। तेरे बिन अब न लेंगे एक विदा, तुझे कितना चाहने लगे हम। इसको करके एंड करना, ठीक है। मेरे साथ हो जाए एक चेंजेस आ रहा है, तुझे कितना चाहने, इसे स्लो करते हैं एंड वाली लाइन में एक बार, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है। तुझे कितना चाहने लगे हम, ठीक है, परे मगरे सासा, परे मगरे सासा चाहने लगे हम, करके एंड कर दो इसको, ठीक है ना। सो आई होप ये लेसन आप लोगों को पसंद आई हो, स्लो स्लो करके देखना। इससे बाद जल्दी वोकल ट्यूटोरियल भी आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कीप डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टा एंड फेसबुक एज वेल दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स एंड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आई होप ये लेसन को आप लोग अच्छे से उठाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजिली गा पाओगे, कहीं भी परफॉर्म करो, आपके पास अगर कीबोर्ड है, पियानो है, हारमोनियम है, आप फोन पे हारमोनियम पे प्रैक्टिस कर दो, कुछ भी है तो आप प्लीज प्रैक्टिस करो। एंड फोन पे आपको हारमोनियम कैसे बजाना है वो भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें।